वर्ल्ड टीवी सब पे नजर अंदर की खबर। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि एक अफसोसनाक खबर है कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर दाखिला और मुल्क के नामवर सियासतदान सेनेटर रहमान मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको ताज़ा तरीन अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक कोरोना के बाइस अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम ने सोगवारों में बेवा और दो बेटे छोड़े हैं। सेनेटर रहमान मलिक 2008 से 2013 तक वफाकी वजीर दाखिला 2007 में रहमान मलिक बेनजीर भुट्टो के सिक्योरिटी चीफ भी रहे। आपको ताजा तरीन सूरतेहाल से आगाह करते चले। सेनेटर रहमान मलिक को 1987 में सितारे शुजात जबकि 1996 में निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। सेनेटर रहमान मलिक 12 दिसंबर 1951 में सियालकोट में पैदा हुए थे। सेनेटर रहमान मलिक 25 मार्च 2008 से 16 मार्च 2013 तक वजीर दाखिला रहे। सेनेटर रहमान मलिक सियासत में आने से कब FIA में खिदमत सर अंजाम देते रहे। सेनेटर रहमान मलिक बेनजीर भुट्टो के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहे। सेनेटर रहमान मलिक ने कराची यूनिवर्सिटी से MSc शुमालियात की डिग्री हासिल की। सेनेटर रहमान मलिक को कराची यूनिवर्सिटी ने PhD की एजाजी डिग्री भी दी। सेनेटर रहमान मलिक 4 किताबों के मुसन्निफ भी थे। सेनेटर रहमान मलिक ने मिसाक जमहूरियत में कलीदी किरदार अदा किया। आपको ताज़ा तरीन अहम अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर दाखिला और मुल्क के नामवर सियासतदान सेनेटर रहमान मलिक अब दुनिया में नहीं रहे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वर्ल्ड टीवी सब पे नजर अंदर की खबर।